ब्यावर शहर के सिटी सिनेमा रोड किशनगंज के बाहर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय दो युवक सोमवार दोपहर एक बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखे 4 लाख रुपए ले गए। पेट्रोल पंप पर घटित पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार माधव पुत्र श्याम हेड़ा सोमवार दोपहर में होटल विनोद स्थित SBI की शाखा में करीब 4 लाख लेकर निकला। इस दौरान दो युवक उसके पीछे लग गए। माधव रुपयों के बाइक की डिक्की में रखकर किशनगंज के समीप स्थित पेट्रोल पंप पहुंचा था। पेट्रोल भरवाने के बाद राशि ऑनलाइन देने के लिए माधव बारकोड स्कैन करने के लिए दूसरे काउंटर पर गया। इसी दौरान उसने बाइक वहीं छोड़ दी। इधर मौके की तलाश में पीछे लगे युवक वहां पहुंचे और एक ने पंप के कार्मिक को बातों में लगा दिया। वहीं दूसरे युवक ने मौका पाकर डिक्की को तोड़ा और राशि से भरी थैली निकालकर रफू चक्कर हो गया। उधर ऑनलाइन भुगतान कर माधव वापस आया और बाइक लेकर रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो उसे डिक्की टूटी देख लूट की आशंका हुई, जिसके बाद वह पुनः पेट्रोल पंप पहुंचा और मामले से पंप संचालक को अवगत कराया, जिस पर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें दो युवकों द्वारा अंजाम दी गई वारदात रिकॉर्ड थी। पीड़ित माधव की ओर से मंगलवार को सिटी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरा नाम माधव, मैं SBI बैंक विनोद होटल ब्रांच से 4 लाख रुपए लेकर दिन में निकल रहा था। समय था 3:22, तो फिर मैं पेट्रोल भराने के लिए MM पेट्रोल पंप रुका। वहाँ पे कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी करी और मैं स्कैन करने गया पैसे, तो फिर उन्होंने गाड़ी से 1 सेकंड के अंदर पैसे निकाल के वहाँ से गायब हो चुके।